फाइनली बनने जा रही है कभी ईद कभी दिवाली, कब तक ये फिल्म रिलीज हो सकती है, पूजा हेगड़े ने इस बारे में क्या कहा है, और सलमान खान आखिर क्यों नहीं मना रहे इस बार अपना जन्मदिन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुयाल। सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली के बारे में बोला जा रहा था कि ये बस अब नाम की रह गई है, ठंडे बस्ते पे चली गई है, क्योंकि कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही थी और रूमर्स यहां तक फैल गए थे कि अब ये फिल्म कभी नहीं बनेगी। लेकिन अब पूजा हेगड़े ने क्लियर कर दिया है कि ये फिल्म बनेगी। उन्होंने कह दिया है कि मैं इस फिल्म में होने वाली हूँ, ये तो सबको पता था, लेकिन अब ऑफिशियली एक तरह से कन्फर्म हो गया, क्योंकि किसी भी तरह से कन्फर्मेशन नहीं आई थी ऑफिशियल, लेकिन पूजा हेगड़े ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है कि हाँ ये फिल्म अब बनने जा रही है। उससे पहले आपको बता दें कि इस बार सलमान खान के बर्थडे को लेकर क्या खबर सामने आई है, और कभी ईद कभी दिवाली की अपडेट भी देंगे आपको। दोस्तों, इस बार बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपना बर्थडे नहीं मना रहे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत दुख तो है ही, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने मनाना था लेकिन नहीं मना पाएंगे वो, और हमेशा वो अपने जो परिवार है और करीबी सदस्यों के साथ धूमधाम से बर्थडे मनाते थे। इस बार बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अपना बर्थडे नहीं मना रहे। इसका कारण ये है कि उनके जो ड्राइवर हैं और स्टाफ मेंबर हैं, बीते दिनों उन्हें कोरोना हो गया, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद सलमान खान ने खुद को क्वारंटीन कर लिया, हालांकि उन्होंने सबका कोरोना टेस्ट कराया और सबका नेगेटिव भी निकला, उसके बावजूद भी वो बर्थडे नहीं मना रहे। वो अपने पनवेल के फार्म हाउस में हैं और वहीं अपना बर्थडे मनाया करते थे। अब वो बर्थडे इसीलिए नहीं मना रहे क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी तरह का। स्टाफ मेंबर्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सलमान ने तुरंत पूरे परिवार को बुला लिया था, उनका भी टेस्ट कराया और सबका नेगेटिव आया है। ऐसे में वो चाहते हैं कि आप बहुत कम लोग गेट टुगेदर ना ही करें और कम लोग ही रहे, इसीलिए वो धूमधाम से अपना बर्थडे नहीं मना रहे। अब कैसे सेलिब्रेशन रहेगा ये तो नहीं पता है। और जो उनके मम्मी पापा है, 20 नवंबर को उनकी सालगिरह है, तो उसका भी प्राइवेट सेलिब्रेशन अब होना है। तो कोरोना ने बहुत चीज़ें काफ़ी हद तक बदल दी है। वहीं कभी ईद कभी की बात करें तो सलमान खान राधे रिलीज़ होने के बाद किस शूटिंग के बाद और टाइगर 3 की शूटिंग के बाद कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग करने वाले हैं, यानी कि 2022 में ये फ्लोर्स पर जाएगी, शूटिंग होगी, इसमें पूजा हेगड़े नज़र आएगी और 4 भाई और हैं इसमें फिल्म में, यानी कि आसिम रियाज का नाम रिवील कर दिया गया था कि वो फिल्म में होने वाले हैं। बाकी सलमान खान के कौन से भाई होने वाले हैं, कौन कौन ये किरदार करेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल फिल्म की कहानी हिंदू मुस्लिम के एंगल से बनाई गई है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कभी ईद कभी दिवाली। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। आपको कितना इंतज़ार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।